नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में 31 मार्च 2023 को भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पिछले चार महीने से गिरावट देखने को मिल रही थी, दबाव देखने को मिल रहा था बाजारों में। आप निफ्टी की बात करते हैं तो 18,800 से जो इसका हाई था वहाँ से गिर कर 16,800 तक आया है। और आज की बात करते हैं तो देखिए 17,359 में है और 279 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली 31 मार्च 2023 को। तो ये मार्च जाते जाते मीन्स लास्ट दिन एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। उसी तरह से बीएससी सेंसेक्स में भी 58,991 में 1,031 पॉइंट की तेज़ी रही और 48,698 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी बैंक में रही। तीनों इंडेक्सेस में एक तरह से तेज़ी देखने को मिली। और बट ये है कि पिछले चार महीने से बाजारों में एक तरह से दबाव था, तो आगे कैसा रह सकता है बाजार उस पॉइंट की बात करेंगे। नतीजे आने वाले हैं चौथी तिमाही के, बहुत सारी कंपनियों ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है, अपडेट भी कर दिया है, डिविडेंड मिलने वाला है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। और आम निवेशकों को, मैंगो निवेशकों को क्या करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। पिछले चार महीने से नुकसान देखने को मिल रहा था आम निवेशकों को, जो खरीदार थे बाइंग साइड में थे उनको एक तरह से नुकसान हो रहा था, बट ये है कि जो सेल में थे मीन्स जो बेचने वाले होते हैं उनको एक तरह से प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। देखिए 18,800 से गिर कर निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 18,800 से गिर कर 16,800 के आसपास तक आ गया। 2000 पॉइंट की गिरावट है, 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही पिछले चार महीने के अंदर। इसका जो कारण है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं पूरे ग्लोबली इंटरनेशनली सेंट्रल बैंक्स, तो उसके कारण एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा है, आगे ग्रोथ कम रह सकती है। हर सेक्टर के शेयरों में एक तरह से गिरावट है। जबकि देखिए जो तीसरी तिमाही के नतीजे थे उसमें बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए थे, बट ये कि गिरावट होने के कारण उन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, मीन्स दबाव देखने को मिला है। तो अब चौथी तिमाही के भी नतीजे आएंगे और अमेरिकन मार्केट्स में भी तेजी रही 31 मार्च 2023 को। उसका कारण यह है कि वहाँ महंगाई थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। अमेरिकन सेंट्रल बैंक की बैठक होगी तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं तो उसमें कमी रह सकती है। अगर महंगाई रुकती है तो मान के चलिए फिर इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं वो एक तरह से रुक जाएंगे, पॉज हो जाएगा, तो मार्केट में ग्रोथ की संभावना रहेगी और बहुत तेज़ी से भी ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। बट ये कि आगे डिपेंड करेगा ये तो महंगाई कितनी रहती है। तो फिलहाल तो देखिए जो खबर आ रही है अमेरिकन मार्केट से तो वहाँ पर तेज़ी रही, नैसडैक्स और डाउ जोन्स में भी तेज़ी रही वहाँ पे, और उसका कारण ये है कि वहाँ महंगाई एक तरह से कम होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट बैठक जो मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी फेड की, अमेरिकन सेंट्रल बैंक की, तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। एक बात ये है कि एक पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंक्स के जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक्स का जो फेड के बयान आते रहते हैं तो उसके कारण भी काफ़ी हलचल रहती है बाजारों में, इंटरनेशनली और भारतीय बाजारों में भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि एक दूसरे से अब जुड़े हुए हैं। और भारतीय बाजारों में जैसे कि 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है तो फिर भी देखिए ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, तो आगे डिपेंड करेगा कि जो नतीजे हैं अगर अच्छे आएंगे, कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे तो मार्केट एक रेंज में या फिर तेज़ी में रह सकता है। तो जैसे कि 16,800 लो है अभी, मीन्स जो लो बनाया है यहाँ से बाउंस करके 17,359 में निफ्टी 50 है, तो अब जो सपोर्ट रहेगा 16,800 का रहेगा। अगर 16,800 के नीचे निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है आगे आने वाले महीनों में तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बड़ी गिरावट होने पर फिर निवेशकों को देखना चाहिए, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है 18,000 या 17,900 के आसपास तक जाता है तो इसमें क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहिए, और जब मार्केट में डाउन हो तब एक तरह से खरीदारी करनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियों ने अपडेट दिया है, नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, तो जो कंपनियाँ डिविडेंड दे रही हैं जैसे कि TCS है, इंफोसिस है, SLTech है, और बैंकों का होगा, और HDFC बैंक भी दे सकता है, ICICI बैंक है, SBI है, तो इन शेयरों को देखना चाहिए और डिविडेंड भी मिलेगा और स्टॉक होगा, पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो फिर फायदा भी नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट में इस वक्त अगर तेजी होती जो ट्रेड करते हैं तो 7-10% का रिटर्न मिल रहा है तो फिर प्रॉफिट भी देखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से देखिए गिरावट में मौका रहता है, अच्छे शेयरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और
ज़्यादातर जो निवेशक होते हैं, आम निवेशक होते हैं, मैंगो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हाई पर ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। जब मार्केट बढ़ जाता है तब लेने की कोशिश करते हैं। बेटर देन ये है कि जैसे पिछले 4 महीने से अगर आप स्टॉक को ले रहे होंगे, किसी भी शेयर को ले रहे होंगे, जब बढ़ रहा होगा तो आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा, भले वो 2%, 3%, 4% हो, बट प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। आगे अगर बाजार तेज होता है तो और प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। तो इसी तरह से आगे भी एक रणनीति बनानी चाहिए। 16,800 के नीचे अगर निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली देखना चाहिए अच्छे स्टॉक्स को, और ऊपर की तरफ एक तरह से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 2023 में काफ़ी हलचल रह सकती है और आगे काफ़ी इवेंट भी हैं। इलेक्शन रहेगा, फिर मेन इलेक्शन रहेगा 2024 में, तो ये आगे बना रहेगा मार्केट में। और फिलहाल जो अब नतीजे आने वाले हैं, तो जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे होंगे, डिविडेंड अच्छा होगा, तो उन कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और जैसे कि वेदांता है, रिलायंस से भी डिविडेंड आ सकता है, HDFC बैंक है, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो आगे एक तरह से मार्केट में तेजी रह सकती है अप्रैल के महीने में, और तेजी रहती है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए और 16,800 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरा सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।